तो धक्का क्यों दे दिया उसने? गुड्डू दीदी को धक्का किसने दिया है स्कूल में? अंजलि ने बताया कि अंजलि ने धक्का दिया मेरे को। अंजलि ऐसे काम करती है? गुड्डू दीदी को ही धक्का दे दिया? आहा, छी, कैसी दोस्त है ना। अरे उसने नहीं, फिर किसने दिया? गुड्डन को वंशिका। गुड्डन? हाँ। गुड्डन बोलोगे? वंशिका कौन है? अंजलि थी वो, अंजलि ने ही गुड्डू को धक्का दिया। हाँ। है ना, अंजलि गंदी है। निश्चय ने? नहीं भैया, सब अच्छे हैं, अंजलि गंदी है। अंजलि ने धक्का दिया गुड्डू को, और तन्नो को सुबह चिढ़ा भी दी थी। वो चिढ़ा रही थी ना? वो नहीं चिढ़ा दी थी। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं करती, वो तो बहुत अच्छी। वो वंशिका नहीं थी, वो अंजलि ही थी। अच्छा, आपको अंजलि अच्छी लगती है क्या? अच्छा ठीक है, नहीं भाई, अंजलि नहीं कर रही थी। अंजलि अपनी मम्मी को सब कुछ सुना दी ना गुड्डू। कार्तिक इतना अच्छा बच्चा है, पूरी क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं, सिर्फ तन्मय को छोड़ के, तन्मय गंदा है। वो फर्स्ट आया था कार्तिक, और ये आया था सेकंड, गंदा। तो फोर्थ आई थी गेरा। गुस्सा आ रहा है? आप पे थप्पड़ मार दूंगी। आप पे क्यों, मुझ पे क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने क्या किया? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज दिन तारीख मैं बता देती हूँ, टाइम सबसे पहले। तो दिन है बुधवार, समय हो रहा है 7:08, तारीख है आज 24 जुलाई, कल है 25 जुलाई। और कल जो तारीख है वो बड़ी, जो डेट है, तारीख क्या कर रही हूँ, तो जो कल डेट है वो बहुत ही यादगार सी डेट है। ना बर्थडे है किसी का, ना एनिवर्सरी है, फिर भी अपने आप में एक खास दिन है। और मुझे लगता है कि बच्चे आ गए हैं। हाँ, बच्चे आ चुके हैं, तो देखती हूँ किचन में जाऊंगी, क्या बनाना है। कुछ नहीं है बनाने का आजकल, मुझे इनके टिफिन की टेंशन नहीं है क्योंकि ये नाश्ता करके जाते हैं, लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी छुट्टी 11 बजे हो जाती है, 11:30 बजे ये घर आ जाते हैं, फिर ये आके खाना खा लेते हैं, तो इसलिए लंच नहीं ले जाते हैं आजकल। मुझे टिफिन की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं बनाऊंगी दही की सब्जी, जो दही को छोंक लगा देते हैं ना, वो मैंने वहां से सीखी थी। हम एक पंजाबी कॉलोनी में रहते थे, तो वहां पे वो दही छोंकते हैं, और मलाई का भी मैंने वहीं से सीखा था। बस अब मैं मलाई में ऐसे करने लगी कि शिमला मिर्च और प्याज बड़े बड़े करके डाल देती हूँ, कई बार सोयाबीन डाल देती हूँ। तन्मय आ चुका है, हेलो करो सबसे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सा कट है, बस ब्लड ज्यादा निकल गया था जिसकी वजह से हम लोग घबरा गए थे, और उस टाइम ही घबराए थे ब्लड को देखकर, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। कार्तिक, ओ कार्तिक इधर आ। और कार्तिक आया है चाचा से मिलने, क्योंकि विपिन गए थे उधर कार्तिक को देखने, क्योंकि कार्तिक जा रहा है कांवड़ लेने के लिए। है, हो गई सारी तैयारी? होगी। कितने बजे निकलोगे? 10-11 बजे। इसको शर्म आती है, ये भी बहुत कम आता है। हमारे घर के सारे आदमियों को शर्म आती है, कार्तिक को, लक्की को, बस एक तन्मय है हमारा ऐसा। जा रहा है? मिल के जाइयो। तो कार्तिक चाचा से मिलने आया था क्योंकि फिर ये ऑफिस चले। इधर आ इधर। हाँ, आराम से जाना कार्तिक। तो ये कार्तिक को समझा रहे हैं और कार्तिक जा रहा है, वो मान नहीं रहा बिल्कुल भी। हम लोगों ने उसको बहुत मना किया, भाभी ने भी उसको बहुत मना किया, लेकिन कार्तिक थोड़ा जिद्दी टाइप है, तो उसको जिद लग जाती है, फिर वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है, वरना फिर उसको अच्छा नहीं लगता अगर उसकी बात ना माने। तो काफी दिनों से उसको जिद लगी हुई थी, तो फिर भाभी ने आखिरकार उसको हाँ बोल दिया, तो वो जा रहा है। और वैसे तो गाँव के बहुत सारे लड़के जा रहे हैं उसके साथ, जो काफी बड़े बड़े हैं और अच्छे से जानते हैं कार्तिक को भी, तो ध्यान रखेंगे उसका। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 8:15 बज रहे हैं, और बस नाश्ता बना रहे हैं ये मेरे लिए। पट्टी अभी हाथ में बंधी हुई है, ठीक है हाथ, बच्चों को स्कूल भेज दिया, लेकिन अच्छा लगता है जब मतलब हस्बैंड लोग फिक्र करें बनाए, तो मैं भी बैठ गई। मैंने कहा ठीक है, अभी उठूंगी, अभी करूंगी काम, तो अभी मिलती हूँ आपसे।
मैंने इनसे पट्टी इसीलिए ही उतरवाई है क्योंकि मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। रात दवाई खाई थी तो दर्द में बहुत आराम हुआ, फिर अभी नाश्ता करने के बाद भी इन्होंने मुझे दवाई दे दी है तो उससे भी बहुत फ़र्क लग ही जाएगा। जब रात आराम हुआ है तो अब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और मुझे ज़्यादा दर्द है भी नहीं, जब वो कुछ फटकती हूँ जैसे होता है ना कपड़ों को झाड़ते हैं तब मेरे को एकदम से दर्द होता है। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा बेड वेड समेट लूँगी, चादरें जो होती हैं ओढ़ने की, क्योंकि बारिश होने के बाद से एकदम से फिर ठंडा ठंडा सा हो गया है, पंखा चला के हल्की हल्की ठंड लगती है, तो वो सब कर लूँगी। पूरा घर समेटना होता है सबसे पहले, तो सुबह में यही काम होता है नाश्ता वगैरह के बाद। और किचन समेटी है मैंने, और आज का काम जो है 50-50% हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के किया है। और झाड़ू लगाने के बाद कुछ कपड़े थे स्टैंड पे तो वो मैं ले आई हूँ तय करने के लिए, इनको भी इनकी जगह पर रख दूँगी। कई बार होता है सुबह झाड़ू लगाने के बाद अगर कुछ कपड़े होते हैं बाहर स्टैंड पे, जैसे शाम के टाइम मशीन लगाई है या शाम के टाइम हाथ से धोए हैं, तो उनको मैं फिर अगले दिन मॉर्निंग में तय कर लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। और ये हम जा रहे हैं मतलब अपने गांव के बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कार्तिक जा रहा है कांवड़ लेने, तो उसको छोड़ने आए हैं मैं और भाभी। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, सुहावना हो रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है, और वो खड़ा हुआ कार्तिक जाने के लिए तैयार है, फुल एक्साइटमेंट में है। और विपिन भी आ गए हैं, वो भी उसको बाय बाय करने के लिए यहाँ पे कि चलो भाई मिल लेता हूँ कार्तिक को एक बार। और कार्तिक विपिन से डरता है, उसको लगता है बस में जाके ही बैठ गया था जैसे ही बस आई कि कहीं मैं रुक ना जाऊँ, मतलब चाचा मना ना कर दे जाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ भाभी के घर पे, ये चले गए हैं, बच्चे भी यहीं पर हैं पहले से ही। हो क्यों नहीं आ सकती मैं? आप जाल में फंस गए हो। जाल में फंस गई मैं? हाँ। किसके? आपकी। मैं बोल रही थी आ जाओ तुम भी खा लेना एक आधी। हाँ आए बुला ले। चले गए आए नहीं। बुला ले विपिन के लिए तो रखी है, विपिन जो भी तो रखी है सब्जी। मना बुला बुला ले। अरे अभी बुला ले। मना कर दिया, कह रहे मैं नहीं मैं जा रहा हूँ, कह रहे देर हो रही है। ऊपर बैठ जा, चप्पल उतार के, चप्पल उतार के बैठ, चप्पल उतार के, चप्पल उतार पहले। बेटे नीचे खिंच जाएंगे ऐसे। हेलो कर दो सबको। क्या दिया काकी मम्मी ने? नमकीन चावल दिए। नमकीन चावल नहीं है, मिठे हैं। अच्छा उल्टा पुल्टा दिन है आज, पता नहीं। अरे कभी कभी भाभी ना ऐसे मन होता है कि नहीं आज मुझे नहीं आना वीडियो में, हैं भाव खाते हो। कभी कभी होता है मन, भाई देखो हो जाता है कभी कभी, मेरा भी होता है। अगर ये वीडियो कल शुरू ना हुआ था ना तो मैं आज ना करती वीडियो वाडियो, लेकिन जब शुरू हो गया तो हेलो कर लो। हेलो कैसे और, हैं आप सब? और कुछ? और कुछ आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, मैं दिख तो रही हूँ। तो क्या दिख रहे हो? स्लीव्स कितनी अच्छी है, कितना अच्छा वर्क हो रहा है। जैसे बेकार बेकार से सूट है, बेकार बेकार। और कुछ? और कुछ तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर लव्स नहीं है आपके लिए। इधर आ गई भाभी ने कहा चोट लग रही है, खाना बना रही हूँ मैं, यही खा लो। तो भाभी बना रही है भरवा पराठे आलू भर के, सब्जी बची थी, कार्तिक को खाना दिया है भाभी ने बांध के उसके साथ, और वो गया है। कितने दिन में आते हैं? पता नहीं, वो आएगा 30 तारीख को, जल चलेगा ना 30 तारीख को। 30 को आएगा? 29 में आ जाएगा, 30 को जल चलेगा। आज क्या है भाभी, क्या है आज? 25 वही है आज, 25 जुलाई। हाँ 25 जुलाई देखने के लिए गए थे। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच भैया, इतना एंटिक पीस देने के लिए बहुत बढ़िया। एंटिक पीस एक लोग एंटिक पीस है जो हमारे लिए बना था, पता अरे पता नहीं कोई कैसी आ जाती, सच्ची कह रही थी। चलो भाभी बनाएंगी आलू के भरवा पराठे और मैं खाऊंगी बैठ के मजे से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि तन्मय और गुड्डू कहाँ जाते हैं, मैं बताती हूँ ना आप सबको कि बड़ी मम्मी के पास गया है, तो वो है सामने उनका घर, और तन्मय ने हाथ पकड़ा हुआ है अपने बड़े पापा का सुनील भाई साहब का, जो रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं, तो इन्हीं के पास जाते हैं दोनों बच्चे और शुरू से जाते हैं। गुड्डू 6 महीने की थी तब से जा रही है, और तन्मय तो 1 महीने का था तब से वहाँ जा रहा है। हेलो कर दो। हेलो, ये है बाला भाभी, सब पूछते हैं बाला भाभी कहाँ है, बाला भाभी कहाँ है। अच्छा? और हाँ सब पूछते हैं, बात जिक्र करती रहती हूँ ना तो पूछते हैं बाला भाभी कहाँ है, बाला भाभी का घर दिखाना, वो रहा बाला भाभी का घर। हाँ छोटा सा घर है।
1:44 तो भाभी के घर है खाना पीना सब हो चुका है, आलू के पराठे, और अभी हमने टिकटॉक वीडियो बनाई है मैंने और भाभी ने और स्टेटस पे लगाई है, तो सबके कमेंट आ रहे हैं। जी लगता है ना, जैसे टिकटॉक पे वीडियो बनाओ तो फिर बार बार कमेंट्स पढ़ने, लाइक देखने अच्छा लगता है। तो भाभी और मैंने बनाई है, अच्छी बनी, मजा आ गया। बोलो क्या बोलूं इनके लिए, मुझे शब्द कम पड़ जाते हैं। कितना प्यार देते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो एक छोटा शब्द है बहुत ज्यादा, पर बहुत बहुत प्यार आपको। हर काले काले बादल हो रहे हैं, बारिश तो नहीं आ रही है लेकिन मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, ऐसे दिल कर रहा है कि कहीं निकल जाएं, है ना। लॉन्ग ड्राइव, जब ऐसा मौसम होता है ना मेरा दिल करता है कि कहीं निकल जाएं, कहीं चले जाएं। लॉन्ग ड्राइव, लेकिन क्या करें, गाड़ी सीख लेना। मैं सीख तो रखी, मेरे को डर लगता है, अब तो काफी टाइम हो गया, तन्मय के बाद से तो चला ही नहीं यार। बराबर मैं बैठा हुआ, कोई एक्सपर्ट भी होना चाहिए। हाँ, और लाइसेंस, हम किसी को ठोक ठाक दे कोई साथ में हो तो जेल से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ यार, जेल से भाभी को डर लगता है, अब मेरे को भी लगता है यार जेल से तो। और मेरी चोट बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी है, बस खून ज्यादा निकला था जिसकी वजह से कट गई, बिल्कुल इतना सा कट है। अरे रात में पट्टी देखी थी लंबी चौड़ी, आपको तो मैंने वो वीडियो भी दिखाया ना, भाभी को मैंने वो वीडियो भी दिखाया, खून काफी निकला। तो मैं कह रही सुनो कंपाउंडर भैया बोल रहे होंगे उतने से कट को देख के, या तो भैया ये कुछ ज्यादा ही वो है, छुई मुई पागल करके रखती होगी घर में, या फिर इसका पति बहुत प्यार करता है कि भाई इतनी सी कट में भी यहाँ ले आया। तुझे खुशी मिलती है ना बहुत ज्यादा छोटी मोटी चोट पे, हाँ पट्टी पट्टी बन जाए। लेकिन अगर दर्द नहीं होता ना तो मैं वो नहीं करती कि भाई मैं नौटंकी करूँ, बैठी रहूँ, काम वाम कर लेती हूँ उठ के। खाना भी मैं बनाती, भाभी ने कहा कि यही खा ले। अरे उसका तो कुछ नहीं है, वो बना कर देती हूँ। तो चलिए आप कर देते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।